नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जानवी यादव और आप देख रहे हैं एचएम न्यूज़। जब बात दुनिया के विकसित देशों की होती है तो सबसे पहले जहन में नाम अमेरिका का ही आता है। अमेरिका ने अपनी काबिलियत का डंका पूरी दुनिया में बजाया है। शिक्षा के स्तर से लेकर नौकरी तक अमेरिका हर जगह बाकी देशों से आगे है। जब बात सुरक्षा की आती है तो इस मामले में भी अमेरिका का कोई सानी नहीं है। व्हाइट हाउस में कई गुप्त सुरंगें हैं जो इमरजेंसी के हालात में अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके परिवार को व्हाइट हाउस से बाहर कई सुरक्षित जगहों पर ले जा सकती है। इस सुरंग ने तब सुर्खियां बटोरी जब अश्वेत मूल्य के व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद से लगभग सारे ही स्टेट्स में हिंसा भड़क गई। इसी बीच 29 मई को हजारों की भीड़ में प्रदर्शनकारी व्हाइट हाउस के सामने जमा हो गए। प्रेसिडेंट को किसी इमरजेंसी से सुरक्षित रखने के लिए आनन फानन एक खुफिया बंकर में ले जाया गया जो वहीं जमीन के नीचे बना हुआ है। बंकर के अलावा व्हाइट हाउस में कई सुरंगें भी हैं जो आपातकाल में प्रेसिडेंट और उनके परिवार और व्हाइट हाउस स्टाफ को सुरक्षित बाहर ले जा सकती हैं और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी। जब सुरंगें बन रही थी तब से ही यूएस के पत्रकारों में इसे लेकर अफवाहें उड़ने लगी थीं। साल 1930 में ये बात इतने जोरों पर थी कि व्हाइट हाउस कवर करने वाले पत्रकारों में ये बात मजाक के तौर पर भी कही जाने लगी थी। बाद में साल 1941 में पर्ल हार्बर अटैक के बाद वास्तव में इसके निर्माण की जरूरत महसूस की गई और काम चल पड़ा। सुरंगों का बनना साल 1950 में तत्कालीन प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन के कार्यकाल में शुरू हुआ था। तब लगभग 150 साल पहले बने इस प्रेसिडेंट हाउस की हालत खस्ता होने लगी थी और इसकी दीवारों में जगह जगह दरारें बनने लगी थी। ये देखते हुए तय किया गया कि भवन को दोबारा बनाए जाने की जरूरत है। तब प्रेसिडेंट ट्रूमैन पास के ही ब्लेयर हाउस में शिफ्ट हो गए और पूरे 3 सालों तक वही रहे। इस दौरान व्हाइट हाउस का निर्माण नए सिरे से हुआ। इसी बीच सेफ्टी को देखते हुए एक टनल भी तैयार हुई जो ईस्ट विंग को वेस्ट विंग से जोड़ती है। इसके जरिए खुफिया बंकर तक पहुंचा जा सकता था। साल 1987 में दूसरी सीक्रेट सुरंग तैयार हुई। तब यूएस के 40वें राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन हुआ करते थे। रीगन के कार्यकाल में लगातार बढ़ते आतंकी हमलों की धमकी के कारण ये सुरंग तैयार की गई। व्हाइट हाउस की वेबसाइट के मुताबिक सुरंग के जरिए राष्ट्रपति एक खुफिया सीढ़ी तक पहुंच सकते हैं जो कि ओवल ऑफिस के पास है। यहां पहुंचकर एक बटन दबाने पर सीक्रेट दरवाजा खुल जाता है। हालांकि ये दरवाजा कहाँ ले जाता है इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा एक और सुरंग भी है जिसके बारे में काफ़ी लोग जानते हैं। ये ईस्ट विंग के बेसमेंट से होते हुए ट्रेजरी बिल्डिंग तक जाती है। इसे 33वें राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूसवेल्ट ने बनवाया था। ये इस तरह से बनाई गई है कि हवाई हमलों का इस पर कोई असर ना हो। एक और सुरंग व्हाइट हाउस को ओल्ड एग्जीक्यूटिव ऑफिस बिल्डिंग से जोड़ती है। हालांकि कहा जाता है कि ये टनल बहुत सी जगहों पर खुलती है जहां से बाहर कई सुरक्षित और अज्ञात जगहों पर पहुंचा जा सकता है। हालांकि इस बात का कोई लिखित प्रमाण नहीं है। व्हाइट हाउस में खुफिया सुविधाओं को प्रेसिडेंट्स इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर यानी कि PEOC नाम दिया गया है। इसके तहत सरकारी इमारतों की सुरक्षा तय करने वाली संस्था GSA ने खुफिया बंकर और सुरंगें तैयार की। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक निर्माण कार्य को पूरी तरह से गुप्त रखा गया और कामगारों के फोन तक टैप होते रहे। यहाँ के सीक्रेट बंकर की दीवार इतने मोटे कंक्रीट की बनी है कि उन पर परमाणु बम और किसी भी रेडिएशन का असर नहीं हो सकता है। साथ ही ऐसी व्यवस्था है कि जमीन के भीतर होने के बाद भी बंकर और सुरंगों में पर्याप्त ऑक्सीजन आती जाती रहे। सिएटल टाइम्स के अनुसार भीतर इतना खाना हरदम रखा रहता है जो आपातकाल हालातों में कई महीनों तक चल सके। साल 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाली तब उन्हें और कुछ आला अधिकारियों को सुरक्षा के सारे इंतजाम दिखाए गए थे। वो काफ़ी देर के लिए भूमिगत रहे और उतनी देर के लिए भी उनके पास इमरजेंसी में निकलने के विकल्प सुझाए गए थे। हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ जिससे हमारी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें।